अबे नॉर्मल वाला देखते हैं जिस एक्स नहीं नहीं करी है। ये देखो दिख रहा डिफरेंस। हाँ तो भाई आज हम करेंगे बॉडी पॉलिश के ऊपर बात। तो हमारे पास दो हैं जो मोस्ट कॉमन भी हैं और सबसे बेस्ट भी हैं। तो पहली है हमारे पास फॉर्मूला वन कार्नोवा वैक्स और दूसरी है हमारे पास 3M कार केयर की क्रीम वैक्स। दोनों का प्राइस बता दूं, पहले प्राइस इसका है 400 के राउंड और इसका है 480 के राउंड। 100 रुपये का फर्क है, लेकिन ये 230 ग्राम में है और ये 220 ग्राम में है। दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये बॉडी पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं, और भी पॉलिश बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो सिलिकॉन बेस होती हैं। अब जो सिलिकॉन बेस होती हैं उनकी इतनी ना तो लॉन्ग लास्टिंग होती है, ना वो पेंट को प्रोटेक्शन देती हैं इतनी खास। आपका 2 से 3 वीक तक आपका काम करती है। रिस्टोर ऑटो पेंट फिनिश टू लुक न्यू क्लियर कोट प्रोटेक्शन, और आपका ये जैसे पेंट ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, केयर करती है, और वाटर बीडिंग रहती है। बाकी दोनों का कंपैरिजन रहेगा कौन सी बेस्ट रहेगी, दोनों का रिजल्ट और अप्लाई कैसे करने हैं इस बारे में सारी बात करेंगे। बताऊँ पहले इनको हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद दोनों में रिजल्ट में कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम इसकी 3M के शैम्पू से वाश करेंगे, वाश करने के बाद जो बेटर होगी वो आपको सजेस्ट करेंगे। इस पार्ट पे हम करेंगे अपने फॉर्मूला, इस पार्ट पे करेंगे 3M और इस पे कुछ नहीं करेंगे, और तीनों में डिफरेंस देखेंगे और तीनों में देखेंगे शाइन किस में मतलब ज़्यादा आती है। इसमें तो खैर रहनी नहीं है, जिसके ऊपर जितनी भी इसके ऊपर डलनेस आ रही है ना, जो सारे के सारे डलनेस इसके रिमूव हो जाएगी। और इसको अप्लाई कैसे करना, ओवरलैप करके करना है, हाफ ओवरलैप करके ले, टेप तक पूरा ले लेना। हाँ ऐसे कम से कम अप्लाई करनी है, जितनी कम अप्लाई होती है ना कम से कम अप्लाई करनी है, ऐसे राउंड राउंड करके अप्लाई करनी है। ये ऐसे जैसे 3M अप्लाई कर रहे हैं ऐसे फॉर्मूला कर लेंगे हम अप्लाई। और इसको हम हेडलाइट पे तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पार्ट्स है इनसे हमें बचा के चलना है, इन पे नहीं करना। सिर्फ ये मेटल बॉडी के लिए वैसे तो, लेकिन हम इनको हेडलाइट्स वगैरह पे कर सकते हैं, लेकिन ग्लासेस वगैरह पे नहीं करना। और अगर जैसे हम इसको हर मंथ में एक बार करा लेते हैं तो हमें जैसे रबिंग वगैरह की जरूरत होती है गाड़ी पे 2 या 3 साल के अंदर कराने की, तो इससे हमारी रबिंग भी टाइम भी एक्सटेंड हो जाता है। मतलब कि अगर जैसे हमारी रबिंग गाड़ी की 2 साल बाद नीड पड़ रही है, तो अगर हम रेगुलर वैक्स यूज करते रहेंगे तो हमारी गाड़ी 3 साल के अंदर अंदर रबिंग करानी पड़ेगी, उससे पहले हमें रबिंग। और जब ये ड्राई हो जाएगी, ड्राई होने के बाद ये वाइट 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 हो जाएगी, जितने भी है ना सारी वाइट हो जाएगी। आपको जो एक बार ड्राई करने के बाद दिखाता हूँ। फिर एक हमारी ये लिक्विड भी आती है, लिक्विड वैक्स, लेकिन दोनों में आती है, 3M की है, 3M की फॉर्मूला की भी आती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना और लॉन्ग लास्टिंग है वो इस दोनों कंपैरिजन में कम है। तो मैंने इसलिए जो बेस्ट है ना दोनों वही सजेस्ट करी है, जो आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगी, और इनको कोई कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। इसकी कॉस्ट 400 है जैसे, तो इसको हम 5 बार कर सकते हैं गाड़ी पे अप्लाई, वो भी 5 बार हो जाएगी, 4 से 5 बार के अराउंड, वो अपने लगाने के ऊपर है। 4 से 5 बार हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, एक बार अप्लाई करने का कॉस्ट अराउंड 100 रुपीज़ आएगा, और आपकी प्रोटेक्शन आपकी 20 डेज की तो है, और जो आपकी गाड़ी पे ग्लोस रहेगा वो अलग ही रहेगा। जैसे कई बार कई लोग तो क्या करते हैं, रबिंग करने के बाद वैक्स अप्लाई कर देते हैं बाय मशीन, जिसमें लिख रखा जैसे यूज़ बाय मशीन बाय हैंड, दोनों से अप्लाई कर सकते हैं दोनों वैक्सों को, चाहे हमें अगर यूज़ करना है मशीन से तो मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हैंड से बाय अप्लाई करिए, मैंने हैंड से ही करिए ताकि जिसको भी भाई को अप्लाई करनी हो हैंड से अपने घर पे इजीली अप्लाई कर सकता है। और सनलाइट में रहती है गाड़ी सीधा, तो उससे क्या होता है जो यूवी रेस होती है हमारे पेंट को फेडेड करने में या फिर डल करने में काफ़ी इफेक्ट रहता है। ये हमारी एक लेयर ऊपर चढ़ा देती है, थिन लेयर, जिससे क्या होता है आपका ये हमारी गाड़ी सनलाइट से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती कोटेड होने की वजह से, ना इसका पेंट डल होता है। पेंट होता है डल, लेकिन कुछ काफ़ी हद तक उसको इम्पैक्ट कर, काफ़ी हद तक मतलब उसको केयर करके रखती है आपके पेंट की। ये बाकी हमारी ड्राई हो चुकी है, वाइटनेस आ चुकी है इसमें। बाहर अप्लाई करने के बाद हमें छोड़नी पड़ेगी ये अराउंड
10 मिनट से 15 मिनट अगर हम जैसे बेसमेंट में या फिर पार्किंग में कहीं भी जो शेड है वहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें वहाँ 20-25 मिनट आधा घंटा छोड़ दो, ज़्यादा भी छोड़ देते हो आधा एक घंटा दो घंटे तो भी कोई इशू नहीं है, इसमें लगी रहने दो। उसके बाद जब आपका मन करता है जितनी देर लगा के रखोगे उतना बेस्ट है वैसे तो। अब हमारा देखो धीरे धीरे वाइटनेस आती जा रही है इनके अंदर। अब 100 रुपये में या फिर 100 में या 120 रुपये में आपकी गाड़ी कोटेड पूरी कंप्लीट हो जाती है, पेंट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, वाटर बीडिंग भी मिल जाती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो भाई अपनी तरफ से सबसे जो बेस्ट पॉलिश है ये वैक्स है, जिसका मैंने दो हैं, दोनों के दोनों हैं, फॉर्मूला भी अच्छी है अपनी जगह, वो भी अच्छी है, वो सिंथेटिक बेस है और ये आपकी कार्नोवा बेस है, ब्राजीलियन बोलते हैं इसको, ब्राजील से इंपोर्ट होती है ब्राजील वैक्स, तो ब्राजील में होते हैं इसकी ट्री, ब्राजीलियन वैक्स भी बोलते हैं इसको और कार्नोवा वैक्स भी बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या इसकी, जैसे हमारे गाड़ी के ऊपर जैसे ये स्क्रैचेस हैं इसमें इतने हाईलाइट नहीं हो रहे हैं अभी कैमरे में, तो इसमें जो स्क्रैचेस हैं माइनर स्क्रैचेस होते हैं, स्वेल मार्क्स होते हैं ना जो राउंड राउंड से, जैसे हम क्लोथ मारते हैं कपड़ा मारते हैं राउंड राउंड स्वेल मार्क्स होते हैं, वो भी हमारी गाड़ी के ऊपर नहीं बनते हैं ना बनते हैं, और अगर होते भी हैं तो वैक्स का अप्लाई करने के बाद वो सारे हिडन हो जाते हैं, वो दिखते नहीं है। जितने भी डीलर होते हैं उनकी गाड़ी चमकी रहती है, वो क्या करते हैं सबसे पहले वॉशिंग रबिंग कराने के बाद वैक्स करके ही अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं बाहर सेल आउट के लिए, सेल आउट का बोर्ड लगाने से पहले वैक्स कर लेते हैं फिर उसके बाद वो करते हैं, ताकि उसके ऊपर जो माइनर स्क्रैचेस हैं, बहुत माइनर स्क्रैचेस हैं, वो ना दिखे और जो स्वेल मार्क्स हैं वो दिखे ना, क्योंकि इससे ग्लोज इनहेंस होती है ना, तो आपके स्वेल मार्क्स हैं या माइनर स्क्रैचेस हैं वो सब उसी के अंदर शो नहीं होते फिर। बाकी हमारी ड्राई हो चुकी है, इसको हम रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें बस दो ही चीज़ें चाहिए, दोनों में से जो बेस्ट बेस्ट वैक्स होगी जिसका रिजल्ट बेस्ट आएगा, एक तो वो और दूसरा एक माइक्रोफाइबर टावल, माइक्रोफाइबर जरूर होना चाहिए आपके पास। हम रेगुलर जैसे अगर वैक्स यूज करते रहते हैं गाड़ी के ऊपर कपड़ा मारते हैं ना तो स्वेल मार्क्स भी कम बनते हैं, अगर हमारी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर वैक्स होती रहती है ना तो हमारी गाड़ी के ऊपर डलनेस भी कम आती है, और आपका जो जैसे डस्ट वगैरह होती है, डस्ट गाड़ी पे बैठती है वो भी इजीली मतलब बस ऐसे रिमूव हो जाती है, वो ज़्यादा स्टिक नहीं करती आपकी बॉडी के साथ। अब इसको रिमूव करना कैसे, रिमूव बस इसको कुछ नहीं, सिंपल से किसी माइक्रो फाइबर से लेके तो अच्छा से ब्रांड का या फिर कैसे भी ले लो आप अपने हिसाब से, बस इजीली वाइप अप कर देना है, ये आपका क्लीन हो जाएगा। ये देखो ऐसे हम दूसरी साइड का भी क्लीन कर लेंगे। कैमरे में इतना शो नहीं हो रहा लेकिन रिजल्ट में बहुत फर्क आया, मैं आपको अभी कैमरा पास करके दिखाता हूँ कितना फर्क आया दोनों में। अगर इसमें शो ना हो रहा हो तो मैं आपको क्लियर, वैसे फोन में आपका इतना ज्यादा शो नहीं हो रहा है लेकिन अगर फील हो पा रहा है तो देखो इसमें डलनेस है, दिख रही है डलनेस, लाइट पे इफेक्ट, लाइट है ना जो लाइट पे देखो कितनी डलनेस आ रही है, और इसमें देखो अब ये अपने फॉर्मूला, इसका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है, इसमें डलनेस है इन दोनों में नहीं है। अगर ये बाहर होता ना बाहर ज़्यादा इफेक्ट दिखता है इसका, लेकिन यहाँ पे कम बहुत मतलब देखने, वैसे तो नेकेड आइज से तो बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन कैमरे में इतना सा शो नहीं हो रहा है। तो रिज़ल्ट के मामले में मुझे सबसे ये सही लगी है फॉर्मूला की ज़्यादा सही लगी है मुझे 3M के कंपैरिजन में, क्योंकि प्राइस भी देखा जाए तो उसका 100 रुपये ज़्यादा है और इसका कम है, इसका रिज़ल्ट थोड़ा सही लग रहा है। अब इस कोटिंग का जो वो इफ़ेक्ट है वो दिखाते हैं आपको, एक बार वाटर स्प्रे करते हैं इसके ऊपर फिर दिखाते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पानी का क्या रहता है इसके ऊपर, वाटर बीडिंग क्या इफ़ेक्ट कितना करती है। एक बार ये देखो बाहर का इफ़ेक्ट, बाहर निकाला इसको हमने ताकि देखने के लिए, ये देखो इसमें बिल्कुल भी कोई रफनेस कहीं नहीं है, लेकिन इसमें अगर फील कर सकते हो देखो रफनेस फील हो रही है सारी, और ऐसा इसी साइड है। इसका रिज़ल्ट सबसे बेटर रिज़ल्ट आया फॉर्मूला का अपना, ये देखो डलनेस। ये अपना फॉर्मूला का,
जितने भी है ना वाटर ड्रॉप बन रहे हैं इसके ऊपर, वाटर ना रुक नहीं रहा बिल्कुल भी पानी नहीं रुक रहा इसके ऊपर अगर देख रहे हो तो आप। अब ये आपका हो गया ये 3M का, देखो अभी नॉर्मल वाला देखते हैं जिसपे हमने कोटेड वैक्स नहीं अप्लाई नहीं करी है। ये देखो दिख रहा डिफरेंस, इसमें इसमें पानी वैसा का वैसा प्लेन पूरा पूरा ऐसे बह रहा है और गाड़ी के ऊपर भी रुक गया है। मैं दिखाऊंगा आपको पूरा, पूरी गाड़ी इस पे बीच वाले हिस्से पे पूरा का पूरा पानी रुका हुआ है और जो हमारे साइड वाले हैं बिल्कुल एकदम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे शहर में काम करती है। यार एक बात बताओ, 100 रुपए में आपको अगर सेरेमिक वाला इफेक्ट मिल जाए, पूरा सेरेमिक मिल जाए, पेंट की प्रोटेक्शन मिल जाए, आपके जो वो ये देखो इफेक्ट पानी हो गया या फिर आपकी डस्ट हो गई वो इसके ऊपर रुकेगी ही नहीं, ये देखो। लेकिन जो हम पॉलिश होती है नॉर्मल बॉडी पॉलिश यूज करते हैं उसका कोई इतना फर्क नहीं होता। अब आप देख सकते हो, मैं आपको एक बार पास से दिखाता हूँ, पास से दिखाता हूँ मैं ये देखो इसके ऊपर पानी रुका ही नहीं है बिल्कुल भी, जो है ड्रॉप है। अगर हम इस पे एयर मारेंगे तो वो भी क्लीन हो जाएंगे, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा अभी करके। और ये आपका जिस पे हमने वैक्स नहीं करी है, और ये है आपका फॉर्मूला, ये आपका हो गया, आपका कुछ भी नहीं है जिसपे इसपे पूरा का पूरा पानी रुका हुआ है। ये देखो एक बार दिखाऊं मैं आपको, पूरा देखो, ये देखो बह रहा है, इसपे पूरा पूरा पानी रुका हुआ है। और इन दोनों पे जो मतलब जितना गिर सकता था पूरा अपने आप ही गिर चुका है, और बाकी जो है वो भी बॉडी के सरफेस में नहीं है, हमारे बॉडी के कॉन्टेक्ट में नहीं है, जो है जो बच रहा है वो हमारा कोटिंग के ऊपर है। ये देखो ये अब भी जैसे जितना जैसे जैसे ड्रॉपलेट थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है, किसी से मिलके वो अपने आप नीचे 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 रिमूव हो रहा है। तो हमारे बॉडी को फुल प्रोटेक्शन देती है ये देखो। एक बार मैं आपको बिना माइक्रोफाइबर क्लॉथ किसको क्लीन करके दिखाता हूँ, बिना टच करे। अब ये देखो इस पे हमने माइक्रोफाइबर वगैरह कुछ भी नहीं मारा, ये अब भी गीला है। इस पे एयर प्रेशर मारा था, इस पे भी एयर प्रेशर मारा था, और इसे देखो ये ड्राई हो चुका है, ये अभी पूरा ही गीला है। ये देखो और ये ड्राई है, ये भी ड्राई है। इस पर थोड़ी एयर की प्रेशर, वो टेप की वजह से ना, ये टेप उतर गई है, टेप की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे आ गई है, इस एरिया की आई है यहाँ पे। लास्ट में मारा ना इसने, लास्ट में इसको मारा, इस वजह से इसकी थोड़ी फ्लो यहाँ पे आ गया है वाटर ड्रॉप्स, नहीं तो ये भी ड्राई हो चुका है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका वैक्स का। पॉलिश तो इसके आगे जैसे ये होती है सिलिकॉन ऑयल बेस होती है, जो इसका कहीं स्टैंड ही नहीं करती वो। वॉश करेंगे उसके बाद फिर हम वाटर हाइड्रोफोबिक इफेक्ट फिर से देखेंगे एक बार, वाटर बेडिंग करता है या नहीं करता है एक वाश के बाद। इसमें हम लेंगे थोड़ा सा 3M का शैम्पू और शैम्पू से वाश करने के बाद देखेंगे किसका रिजल्ट क्या आता है। बस थोड़ा सा शैम्पू लेना हमें 3M का, तो भाई ये हो गया अपना 3M, ये अपना फॉर्मूला, और हमने शैम्पू में पानी डाल लिया है। फिर देखेंगे कि कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है दोनों में से और कौन सी आपको भाई लेनी है।
टाई देते हैं, टेप की नीड नहीं है, वैसे अपने आप फर्क दिख जाएगा। अब हमारी हो चुकी है इसकी वॉशिंग कंप्लीट। आप इसमें देखेंगे कि कौन सी विनर रहेगी, या 3M या फिर आपके फॉर्मूला, और उसके बाद जो सा आपका बचेगा ना लास्ट में वो विनर रहेगा। जिसका पानी सबसे पहले नीचे गिरेगा वो विनर रहेगा आपका। जिस साइड जोन सी साइड आपकी पहले, जिस साइड से पहले वाटर ड्रॉप होगा ना वही साइड विनर रहेगी अपनी। फॉर्मूला की साइड से अब इतना हटा है, लेकिन 3M की साइड से काफ़ी ज़्यादा हट गया है वॉशिंग के बाद भी। थोड़ा सा इसमें, तो इसमें 3M विनर है इसमें। देखो भाई, अगर हम ग्लोव्स की बात करें तो ग्लोव्स में हमारा विनर रहा है आपका फॉर्मूला का। ये देखो ग्लोव्स इसकी ज़्यादा थी, और अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें, लॉन्ग लास्टिंग की बात करें, तो 3M ने अपना ऑलमोस्ट सारा ही क्लियर करती जा रही है। 3M का ज़्यादा रहा है, ये देखो, तो इसमें हमारा 3M रहा है। बाकी ग्लोव्स में इतना माइनर फर्क था, ये वैसे तो ना ये गाड़ी नई है तो इसमें ग्लोव्स का हमें ज़्यादा फर्क नहीं देखा। अगर आपकी गाड़ी साल दो साल चली हुई, ज़्यादा पुरानी होगी ना, तो उसमें आपको ग्लोव्स भी काफ़ी इनहेंस होकर मिलेगी। ये देखो, ये इतना हुआ है, ये पूरा ही क्लियर हो चुका है लगभग। ये देखो, तो भाई सीधी सी बात है, अपनी तरफ से तो विनर रहा है 3M। अगर किसी भाई को लिए लॉन्ग लास्टिंग मैटर नहीं करती, ग्लोव ज़्यादा चाहिए, ये देखो तो ग्लोव ज़्यादा चाहिए, तो वो भाई फॉर्मूला की तरफ जा सकता है। और जिसको देख रहे हो अब भी देख रहे हो, देखो यार, और क्या लोगे 100-150 रुपए में। ये देखो, तो भाई हमारा फाइनल है, ये पूरा ही क्लियर हो चुका है वाला एरिया, वो भी गीला भी, बस ऊपर से हुआ साइड से। तो लॉन्ग लास्टिंग में आपका 3M विनर रहा है, शाइनिंग के मामले में आपका फॉर्मूला विनर रहा है। अब दोनों में से भाई जोन से ब्रांड जो यूज़ करते हो, जिसको जो सही लगे वो ठीक है, लेकिन मैं तो ज़्यादा शाइनिंग से ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वाले को प्रेफर करूंगा भाई। तो मेरी तरफ से भाई आप 3M यूज़ कर सकते हो, और कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अराउंड 470-450 या फिर 500 के अराउंड आपको मिल जाएगा ये, और 100 रुपये में एक बार आपकी कोट हो जाएगी। 500 के अराउंड भी पड़ जाता है, तो 5 बार कोट आप गाड़ी कर सकते हो, कम से कम अप्लाई करना है भाई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जो करना। थैंक यू।